हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप लोगों के साथ आप लोगों का मैथमेटिक्स का मेंटर ओम शर्मा, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, सो आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और सबका वेलकम है हमारे अनअकैडमी का जो स्टूडियो है एस्केप वेलोसिटी पर, हम सभी मेंटर्स की तरफ से। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर के बारे में बता ही चुका हूँ पहले, थोड़ा सा ब्रीफ मेरे बारे में। हम और आप दो टाइमिंग पर इस पर मिलते हैं। फर्स्ट लेक्चर जो मॉर्निंग वाला टाइम, जिसमें मैं अलजेब्रा के लिए मिलता हूँ, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुका है और हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है बाइनोमियल थ्योरम को। एक इलेवंथ क्लास का नहीं, नाइन्थ क्लास का, टेंथ क्लास का स्टूडेंट भी बाइनोमियल थ्योरम को सीख सकता है। मैंने स्टार्ट किया फैक्टोरियल से, फिर एनसीआर समझाया, फिर धीरे धीरे हम उसको पिक कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम हम मिलते हैं इवनिंग में 8 to 9, जिसमें हम कैलकुलस के बारे में बात करते हैं। और तो हम कैलकुलस में फंक्शन चैप्टर पे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पे पहुंच गए हैं, जहां पर हम वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इन टू, ये वाले टॉपिक्स को हम डिस्कस बहुत अच्छे से वहां पर कर रहे हैं। तो आप दोनों का पार्टिसिपेट करिए और अपनी मैथमेटिक्स को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग करते जाइए। इसमें मैं साथ दूंगा आपका। मैं कौन हूँ मेरे बारे में थोड़ा ब्रीफ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये आपको क्लासेस जो मिल रही हैं, ये कोटा राजस्थान से मिल रही हैं, जिस जो कि IIT-JEE की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी फेमस है पूरे इंडिया में। तो वहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स फ्रॉम पास्ट 12 ईयर्स एंड दिस इज माई 13th ईयर। तो अब नाउ आई एम विद एन अकेडमी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा एक टाइम है एक्सपीरियंस का जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उस एक्सपीरियंस को आप अच्छे से अच्छे यूटिलाइज करिए अपनी रैंक इम्प्रूव करने में, और अगर सिलेक्शन की थोड़ी दिक्कत हो रही तो सिलेक्शन कराने में, सिलेक्शन हो रहा है तो फिर रैंक इम्प्रूव करने में उसको यूटिलाइज करिए। ये जो कंटेंट है मेनली ये JEE एडवांस लेवल का है। हम किसी भी टॉपिक को बहुत बेसिक से उठाते हैं, फिर धीरे 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 उसको पिक करते हुए JEE मेन लेवल पर, फिर JEE एडवांस लेवल पर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी इसके अंदर हम करते हैं। स्पेशली जब हम मिड ऑफ द चैप्टर पहुंच जाते हैं या किसी टॉपिक में जब उसकी इलस्ट्रेशन लेते हुए जाते हैं, उसको बेस को बिल्ड करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आप इसका पार्ट बनिए और अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करिए। कर चुके होंगे तो आप फॉलो करिए, एट द रेट ओम सर से आप मुझे फॉलो करिए। तो यू विल बी एंडिंग अप दिस पेज। यहाँ पर फॉलो करने के बाद आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि मैं कौन कौन से कोर्सेज टाइम टाइम पर लॉन्च करता रहता हूँ। वो डिटेल्स आपको मिलने के बाद आप उन कोर्सेज के लिए प्लस वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो ज़रूर ले सकते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा का एक कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है जिसकी टाइमिंग है वहाँ पर 1 PM, और एक कैलकुलस वाला कोर्स है जिसकी टाइमिंग है 6 PM। रिसेंटली ये दोनों कोर्स लॉन्च हुए हैं, आप इनके डिटेल वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो पहला काम तो ये करिए कि आप अनअकैडमी की ऐप को इंस्टॉल करिए, अगर नहीं किया कर लिया तो फटाफट से फॉलो करिए। दोनों कोर्सेज के डिटेल देखिए कि हम किस तरह से वहाँ पर कोर्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि हम कैसे वहाँ पर पढ़ाते हैं। जैसे अगर फर्स्ट लेक्चर है सेशन, जो कि डाउट सेशन होता है, जिसमें आप हमने कुछ सिखाया है, अब वहाँ पर हम क्रॉस चेक करते हैं। चाहे वो क्रॉस चेक कैसे हो सकता है, वो DPPs हम फ्लॉट करते रहते हैं। DPPs एक होमवर्क की तरह, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, ये टर्म कोटा में ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, उसकी तरह से कर सकते हैं। या आपके पास अगर कोई मटेरियल है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, आपको किसी बड़े भाई से, बड़े सीनियर से मिला है और आप उस मटेरियल को सॉल्व करते हैं, या आपने कहीं का DLP का कोर्स लिया हुआ है, क्वेश्चन होता है, अगर वो उस चैप्टर का है वहाँ तक ये थ्योरी कवर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल डिस्कस इन लेक्चर नंबर 4। तो हुआ क्या, लेक्चर डिलीवर हुआ, आपने वहाँ पर डाउट सेशन लिया हर थर्ड क्लास के बाद। ऐसा नहीं है, शुरुआत में ही होगा। इफ़ इट इज़ लेक्चर नंबर 5, 6 and 7, तीन क्लासेस हो गया, नाउ लेक्चर नंबर 8। इसमें आप ये सारे जितने लेसन्स हुए हैं उस चैप्टर के सबके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, टाइम परमिट किया तो हम और डाउट्स भी ले सकते हैं, वरना मैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, तो फिर आपका मेंटर अगर आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करके देता है तो बहुत ही अच्छा है कि सारे क्वेश्चन वेराइटी वाले हों। अगर फिर भी आपका कोई डाउट आपके पर्सनल है, आपकी बुक के हैं या जिसको आप फॉलो करते हैं वहाँ से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल नेवर से नो अबाउट इट, बिकॉज क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन, इट हैज़ टू बी सॉल्व्ड बाय समवन, यू, मी और अस। ठीक है, सॉल्यूशन तक, कॉन्सेप्ट तक पहुँचना ही हमारा काम है, ताकि हम हमारा जो कॉन्फिडेंस अभी है धीरे धीरे एग्जाम के पहले तो उसे बहुत अच्छे से ग्रो कर लें। फिर बारी आती है सर, लेसन्स हो गए हैं, अब हमारा जो डाउट सेशन भी हो जाएगा टाइम से, तो डाउट में भी आप और मैं साथ में रहने वाले, लेसन में भी आप और मैं साथ में रहने वाले, लेकिन एग्जाम में तो रहेंगे नहीं। तो अकेले में उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए ज़रूरी बात आती है टेस्ट। सो लेक्चर्स, डाउट सेशंस, देन टेस्ट, ये फीचर तीनों आपको मिलते हैं अनअकैडमी पर।
टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगी, वीकली क्विजेज़ होते हैं, मेगा क्विजेज़ होते हैं, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ फाइट मारते हो, थोड़ा सा प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं, स्टिल वी आर पाथ ऑन लर्निंग। लेकिन जब हम टेस्ट में पहुंच जाते हैं, टेस्ट में हमें एक्चुअल पता चलता है कि उस टाइम पे टीचर बहुत ही इकोनॉमिकल है, कोई ज़्यादा हाई फाई चार्जेस है नहीं, एक सब्जेक्ट की जो फीस होती है उससे भी कम चार्जेस हैं। आप देखिए, अगर इफ़ आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो अगर आप 2 ईयर्स का प्लान लेते हैं, 11th क्लास का और 12th क्लास का, अगर आप 11th क्लास के हैं तो फिर आपका जो अमाउंट है दिस इज़ जस्ट 40,000। और एक और डिस्काउंट है, अगर आप ये कोड यूज़ में लेते हैं, रेफरल कोड, दिस इज कॉल्ड एज रेफरल कोड, ये कोड या कूपन कोड आप लगाते हैं तो आपको इंस्टेंटली 10% और ऑफ मिल जाएगा, आपको ये मिलेगा 36,000। इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, अनलिमिटेड टीचर्स, जितने भी टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं आप सबसे पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि सर एक सर से पढ़ना स्टार्ट किया था अब हमें प्रॉब्लम हो रहा था, यू कैन स्विच, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और इंडिया के बहुत अच्छे एजुकेटर्स, कोटा के बहुत अच्छे एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पे हैं, आप जुड़िए, आप कभी निराश नहीं होंगे। बस एक चीज़ है बेटा, पढ़ना तो खुद को पड़ेगा, पढ़ने वाला सीन जो है हम पढ़ा सकते हैं, होमवर्क आपको कंसिस्टेंटली और हार्डवर्क आपका होगा, रिजल्ट हम आपके साथ लाकर दिखा देंगे। हम जो बोलते जाएं उसको फॉलो करते जाइए, कोई बड़ा काम नहीं है। एक दिन आप IIT में होंगे, जूनियर होंगे, क्या पता आप IIT बॉम्बे में रहो, दिल्ली में रहो, बहुत अच्छा, हम तो हमेशा चाहते हैं आप अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में जाएं। तो अगर आप 11th क्लास के हैं तो आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो मिल रहा है 36,000 इफ़ यू यूज़ द कोड होम सर, और ये आप 18,000 ईयरली आपको पढ़ गया है, बताइए, फॉर 11th क्लास 18,000, फॉर 12th क्लास 18,000, जिसमें कंटेंट जो आपको मिलने वाला है दैट इज़ JEE एडवांस, वो बोर्ड का कंटेंट नहीं है, JEE मेन का भी नहीं है, JEE एडवांस का कंटेंट है, जो कि बहुत डीप में जाके हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, और अगर आप 12th या ड्रॉपर हैं, 13th में है, 12th या 13th में है, तो भी आपके लिए प्लान है, वो भी बहुत इकोनॉमिकल है, एक साल का प्लान भी आप ले सकते हैं, 25,000 है, यूटिलाइज दिस कोड, ये कोड आपके बहुत काम का है, इससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, थोड़ी पॉकेट मनी बच जाती है। कैसे, 22,500 अब आपके पास कितना बच गया, 22,500 आप बचा है, तो 2.5 के आपका बच गया, इसमें आप चाहें बुक्स खरीदें, स्टेशनरी का सामान खरीदें, दिस इज अप टू यू, सो दिस कोड इज़ क्वाइट यूजफुल। तो आप आइए, ओवरऑल लर्निंग के लिए पहले लेसन्स, फिर डाउट्स, फिर टेस्ट सीरीज, फिर ये जब सब हो जाएगा तो डायरेक्टली यू विल बी इन IITs। अगर आपने ये काम कर लिया तो इस बात की गारंटी, आपने लेक्चर्स अटेंड किए, रेगुलरली अटेंड करना है। ठीक है, सेकेंड, डाउट्स पूछने हैं, जब सोचोगे, होमवर्क करोगे, डाउट्स आएंगे, नेचुरल सी बात है, डाउट नहीं आ रहे हैं तो फिर तो सीन ही दूसरा है, या तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या फिर थोड़ा ज़्यादा कैसे का एफर्ट कम मार रहे हो, ठीक है, या फिर सेम ही टाइप के क्वेश्चन करे जा रहे हो, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करोगे तो डेफिनेटली डाउट्स आएंगे। तो लर्निंग, देन डाउट, फिर टेस्ट, टेस्ट में अकेले टीचर्स ने सिखा दिया, डाउट्स क्लियर हो चुका, अब टेस्ट के बाद ओवरऑल एनालिसिस, ये कौन कौन से सेगमेंट हमारे वीक रह गए वाला एनालिसिस हो गया। तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है कितना, 36,000, और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है आपके पास 22,500। ठीक है, और ये आपका इतना मनी सेव किससे हो जाएगा, ये वाला कोड, ओम सर कैसे, ओम मेरा नाम है सर, आप मुझे बोलते हो, वेरी इजी टू रिमेंबर, एक और कोड है अगर आपको ये याद ना रहे तो, ओम लाइव, मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा याद करने में, तो ईजियर वन इज ओम सर लिखेंगे, आपको बेनिफिट इसका मिल जाएगा। चलिए बाइनोमियल थ्योरम पर आते हैं, और बाइनोमियल थ्योरम का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट टर्म का प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इज गिवन बाय, बनाना है हमें तो बनाते हैं, कैसे बनाया जाए, ये है 1 - x + 2x³, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका तो एक्सपेंशन हो नहीं सकता क्योंकि पावर है 1, यहाँ अगर हम देखें तो पावर है 8, तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो यहाँ हम पहुँचेंगे r का वैल्यू 0 से लेके 8 तक, और हम चलते हैं NCR, दैट विल बिकम 8CR, x स्क्वायर की पावर रहेगी 8 - r, -1/x/r, ओके, बन गया मल्टीप्लिकेशन का समेशन, जनरल टर्म लिखना हम जानते हैं, पिछले 4 लेक्चर, पहले 2 लेक्चर में तो मैं तुम्हें फैक्टोरियल और बाइनोमियल
कॉफिशेंट एनसीआर के बारे में सिखाया था, सेकंड लेक्चर में हमने उसी की प्रैक्टिस की थी, थर्ड और फोर्थ में हमने बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया है, उसी की प्रैक्टिस हम करते हुए आ रहे हैं। अब हम उसी से आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा आगे चलते हुए देखते हैं। तो इस टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज द जनरल टर्म, टी आर प्लस वन टर्म हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा फोकस करना है कहाँ पर, वो क्वेश्चन देखिए, x की पावर्स पर ध्यान रखना है, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो x की पावर्स बनाते हैं। आइए बनाते हैं, r का वैल्यू है 0 से लेके 8 है, 8 सी आर है, माइनस 1 पावर r है, और यहाँ आ जाएंगे हम x की पावर 16 माइनस 2 आर, दिस विल बिकम 16 माइनस 3 आर, ओके, दिस विल बिकम 16 माइनस 2 आर, और ये माइनस आर 16 माइनस 3 आर, सबका प्रोडक्ट होगा। तो आ जाइए सारे प्रोडक्ट करके देख लेते हैं क्या क्या बनने वाले हैं, या इफ यू हैव द नेक्स्ट पीस तो वहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाओ ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको पीछे चल के, 1 माइनस एक्स प्लस 2 एक्स क्यूब सिग्मा, 1 माइनस एक्स 2 एक्स क्यूब सिग्मा, 8 सी आर माइनस 1 पावर आर, x पावर 16 माइनस आर, x पावर 16 माइनस 3 आर, ओके, ये मैंने डेटा वहां पे लिख दिया है बस वापस से। अब करते हैं क्या करना है, हमें एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, r की वैल्यू है 0 से लेके 8 तक, आ जाइए करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका जो भी एक्सपेंशन होगा इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। फिर से क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, ये बाइनोमियल टर्म है लेकिन दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस डेटा, सो जो एक्सपेंशन में 8 पावर है तो नो टर्म आएगा, नो टर्म इन सब से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर 9 इंटू 3 टर्म्स 27 टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक एक को एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल बी ऑन द सेम डेटा, सेम ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो डजंट मैटर। फिर माइनस आएगा, एक्स आएगा, r का वैल्यू है 0 से लेके 8 तक, यहाँ पहुँचेंगे 8 सी आर माइनस 1 पावर r, x की पावर है 16 माइनस 3 आर प्लस 2 एक्स क्यूब, r का वैल्यू है 0 से लेके 8 तक, 2 एक्स क्यूब, हम पहुँच जाएंगे 8 सी आर माइनस 1 पावर r, x पावर 16 माइनस 3 आर। अब जो यहां पे बोला है वो हम करते हैं, हमें x से इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए तो आइए बनाते हैं। यहां पर ये जो टर्म है x से इंडिपेंडेंट चाहिए तो हमें 16 माइनस 3 आर को जीरो करना पड़ेगा, r की वैल्यू आएगी 16 बाई 3, और हम जानते हैं r की वैल्यू होल नंबर्स होती है, 0 से लेके n तक जाती है, n है 8, तो r से लेके 0 तक, 0 से लेके 8 तक होगा और r होगा होल नंबर्स, लेकिन 16 बाई 3 तो रैशनल नंबर है, मतलब के फ्रैक्शनल वैल्यूज है, दिस इज नॉट अ इंटीग्रल वैल्यू, सो वी विल रिमूव दिस वन, यहां से कोई डेटा x की पावर 0 वाला नहीं आने वाला है। आगे चलते हैं, यहां है 16 माइनस 3 आर, यहां है x की पावर 1, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहां से x का पावर बन जाएगा 17 माइनस 3 आर, दैट हैज टू बी 0, r की वैल्यू आएगी 17 बाई 3, नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, क्योंकि ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इंटीजर नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ है क्यूब और यहाँ है 16 माइनस 3 आर, फिर से सेम काम होगा, x की पावर्स टोटल बन कितनी जाएगी, 3 प्लस 16 माइनस 3 आर हैज टू बी 0, r का वैल्यू आएगा 19 बाय 3, ये भी इंटीजर नहीं है, तो क्या हुआ, तीनों नहीं आए, शोले वाली लैंग्वेज में अगर हम बोले तो सॉल्व किया और हमारे पास एक भी डेटा नहीं आने वाला है, यहाँ से भी नहीं आया, यहाँ से भी नहीं आया, यहाँ से भी नहीं आया, क्या नहीं आया सर, कुछ तो आया था, इंटीग्रल वैल्यूज होल नंबर्स नहीं आए, तो ऐसी टर्म प्रेजेंट नहीं होगी, और वो पूछना चाहते हैं कि क्या इसका कोफिशियंट होगा, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कौन सी बनेगी, कुछ है ही नहीं, वी विल मार्क इट एज जीरो, कि हाँ जीरो है, क्या मार्क कर देंगे, बिल्कुल है, ऐसी टर्म कौन सी है, वो टर्म है जीरो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, रीड करो, कहाँ पर हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देख लो इस कॉन्सेप्ट को क्या लिखा हुआ है।
डन है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा है, जनरल टर्म, आगे जितना बड़ा लिख दिया सबसे मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब सॉल्व होके आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगाया है, उन्होंने बोला है x की पावर 0 निकालो, तो 0 पावर से कंपेयर कर दिया सबको। वो अगर बोलते हैं कि x की पावर 5 रखो, तो 5 पावर से कंपेयर कर देंगे, लेकिन याद रखेंगे r की वैल्यू 0 से n, n यहाँ पर कितना पावर था, 8 पावर था, 0 से 8 के बीच में होल नंबर्स ही कंसिडर होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, ये टर्म है एक, इस टर्म का होगा एक्सपेंशन, उस एक्सपेंशन में इरेशनल कितने टर्म्स आने वाली है, ये क्वेश्चन है पता करना। ठीक है, कहा पहला काम क्या होगा, पहला काम तो वही है, जनरल टर्म लिख लेते हैं, टी आर प्लस वन, 100 पावर है तो 100 सी आर, देखो 8 आगे लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 5 पावर 1 बाई 8 और 100 माइनस आर। नेक्स्ट इज 2 पावर 1 बाय 6 एंड दिस विल बी आर। सेकेंड वाले टर्म पर तो वही पावर आती जो यहां लिखी रहती है, ये बात तो हमने पहले भी ऑब्जर्व किया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, हम पहुंच रहे हैं 100 सी आर 5 पावर 100 माइनस आर डिवाइडेड बाय 8 एंड आर पावर 2 पावर r बाई 6। ठीक है, अब हम जानते हैं कि r का जो डेटा होता है 0 से लेके n के बीच में, अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, यहाँ n कितना है, 100 पावर है, 0 से लेके 100 तक रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है, और आता है इंटीजर। ठीक है, होल नंबर्स रहेंगे ये सब। अब देखिए क्या पूछा है, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स बता दीजिए, कितनी इरेशनल टर्म्स आएंगी, यानी ये रेडिकल्स जो हैं 1/5 1/8 ये वाले जो टर्म्स हैं ये प्रेजेंट रहने चाहिए, ये हम चाहते हैं। और 2 और 5 कैसे हैं, ये दोनों बन चुके हैं प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स के ऊपर हम ध्यान दे लेंगे। अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो हम इसको 2 पावर 2 करके पहले प्राइम नंबर्स के ऊपर लेकर आते, यहाँ ऑलरेडी 2 और 5 के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। अब देखिए पहले हम ऐसा करते हैं, कितनी टर्म्स हैं वो गिन लेते हैं, बताइए टोटल टर्म्स कितनी आएंगी, टोटल टर्म्स बताओ भाई कितनी टोटल टर्म्स, 100 पावर है तो 101 आएंगी। सेकंड हम ऐसा करते हैं रैशनल टर्म्स निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कोई भी टर्म अगर इरेशनल है तो वो रैशनल नहीं हो सकती, रैशनल है तो इरेशनल है, तो दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रैशनल और इरेशनल एक्सक्लूसिव होते हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं एक साथ एग्जिस्ट कर सकते। ठीक है, ये बात हमें मालूम है, तो चलिए हम बनाते हैं इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखिए तो ये तो इंटीजर होता है, नो प्रॉब्लम विद इट, यहाँ पर रैशनलिटी अगर लानी है तो इन दोनों को हमें इंटीजर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 100 माइनस आर बाई 8 और है आर बाई 6, ये दोनों इंटीजर्स आने चाहिए, कहानी सिंपल सी है। तो आर की वैल्यू सेकंड वाले केस में आर बाई 6 इंटीजर कब आएगा, आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट है तो 0, फिर 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, फिर 36, नेक्स्ट 42, ऐसे चलता जाएगा पूरा 96 तक पहुंचेंगे हम, कहाँ तक पहुंचेंगे 96 तक, क्योंकि 100 तक जाना है, 6 की टेबल बोल दी हमने सारी। यहाँ थोड़ा गौर करते हैं, 100 माइनस 8 लिखा, 100 माइनस आर बाई 8 लिखा हुआ है, 100 को 8 से डिवाइड कर देते हैं तो कौन सा ऐसा नंबर है जहाँ तक डिवाइड हो रहा, 96 आई थिंक डिवाइड हो जाता है, 12 8 जा 96 करेक्ट है, डाउट तो नहीं किसी को, मल्टीप्लाई कर लो 10 इंटू 80 होता है, 80 में 16 ऐड करेंगे तो 96 हो जाएगा, तो 96 तो ऐड हो डिवाइड हो जाएगा इसका, तो बचेगा कितना फिर 96 का 4 बचेगा, दैट मीन्स 4 माइनस 8 ये इंटीजर आना चाहिए। तो आइए आर का डेटा निकालते हैं यहाँ से, फिर आर को क्या लिखें, 0 रखेंगे तो नहीं बनेगा, 4 बाई 8 आ जाएगा, 1 2 3 4 नहीं बनने वाला, तो 4 बन सकता है, कैसे 4 रखोगे, 4 माइनस 4 0, 0 से तो किसी को भी डिवाइड कर दो, 0 के नीचे से 0 ही आता है, 4 के बाद नेक्स्ट नंबर विल बिकम 12, रख के देखिए 12, 4 माइनस 12 माइनस 8 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है डिवाइडेड है, फिर 8 का चल रहा है 20 लिखना पड़ेगा मुझे, 20 लिखेंगे, 4 माइनस 20 दैट इज 16 दैट इज डिवाइडेड, अब देखो 8 ऐड होता जा रहा है, AP बन जाएगा, नेक्स्ट विल बी 28, फिर 8 ऐड करेंगे हम इसके अंदर, दैट विल बी 36,
नेक्स्ट 8 ऐड कर दें कितना आएगा 44, फिर 52, फिर 8, 60, ओके 60 भी ऐसा ही है, 56 से भाई 60 बन जाएगा, फिर 8 ऐड करेंगे 68 बन जाएगा, फिर आ जाएगा 76, फिर आ जाएगा कितना 8 ऐड करेंगे तो फिर 84 के बाद 8 ऐड करोगे तो 92 के बाद अगला ऐड करोगे 100, ठीक है सारे बना दिया। आर की वैल्यू 100 हो सकती है, 100 रख लो, 100 में से 4 हटा दो 96 आएगा, बिल्कुल अलाउड है, सारे अलाउड है। अब हमें क्या निकालना है, देखो आर की वैल्यूज तो दोनों जगह सेम होती हैं, तो दोनों जगह सेम होती है तो हमें क्या पिक करनी, दोनों की कॉमन, ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर 5 रख देंगे इसके अंदर 2 रखेंगे, आर तो दोनों जगह कैसा आता है, सेम ही आता है, तो पिक करते हैं कॉमन कौन कौन से हैं। 12 हमें दिख रहा है, ओके 12 के बाद नेक्स्ट कौन सा, 20 नहीं है, 28 नहीं है, 36 है, ये रहा नेक्स्ट इज 36, फिर कौन सा नंबर आएगा और देखते हैं। ये तो क्या है, 6 की टेबल्स हैं, सब 6 की टेबल्स हैं, 96 भी नहीं है अपने पास, 6 12 है, फिर 36 है, ओके नेक्स्ट नंबर हम बनाए 42 है तो यहाँ आएगा 48, फिर 6 ऐड करेंगे तो 54 भी जस्ट मिस हुआ है, 6 ऐड करते हैं तो 60 भी आएगा, दिस इज 60। तो हम देख सकते हैं 24 का डिफरेंस चल रहा है, 24 ऐड करेंगे इतना पहुंच जाएगा, फिर 24 ऐड करेंगे इसी के अंदर हम तो 60 पे पहुंच जाएंगे, फिर 24 हम ऐड करेंगे इसी के अंदर, वी विल लीड टू दिस। अब इसके अंदर अगर हम 24 ऐड करते हैं तो फिर हम बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे कितने डेटा आने वाले हैं, 1 2 3 4, कितने डेटा आने वाले हैं, 4 आने वाले हैं। फिर से हम देखेंगे 4 डेटा आएंगे, टोटल टर्म्स कितनी थी लिखी मैंने 101 में से 4 टर्म्स हम हटा देंगे, 4 टर्म्स हम हटा देंगे तो फिर कितनी बचेंगी, 97 टर्म्स ऐसी होंगी जो होंगी इरेशनल, वी विल मार्क इरेशनल टर्म्स 97। फिर से पूरे क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या हमने किया, हमने लिखी जनरल टर्म जो उन्होंने बोला, इन्होंने बहुत पावर आवर बना के क्वेश्चन को बनाया है तो हमने भी उसका ध्यान रखा कि ठीक है पावर आ रही है तो चलो आने दो, देखते हैं क्या हो सकता है, जनरल टर्म लिखी। अब फिर सबसे पहला काम ये होता है कि 5 और 2 लिखा हुआ है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, अगर यहाँ पर 25 होता तो 5 का स्क्वायर बनाते हम, पहले प्राइम नंबर्स की पावर पर क्वेश्चन को लेकर जाते, लेकर गए तो 1/8 था, 100 माइनस आर 8 टू पावर 1/6 यहाँ आर होता है, दोनों इंटीजर्स आएंगे 5 और 2 की पावर तब, क्योंकि NCR हमेशा इंटीजर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से तब जाकर रैशनल टर्म्स बनेंगी क्योंकि 100 पावर है, टोटल टर्म्स होगी 101, हमसे पूछा है इरेशनल तो रैशनल वाली काउंट कर लेते हैं, टोटल में से हटा देंगे तो अपने पास जो टर्म आएगी बेटा वो वाली टर्म आएगी इरेशनल, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं, तो हमने रैशनल वाली टर्म बनाई तो 100 माइनस आर अपॉन 8 को निकाला इंटीजर, तो चलिए आर की वैल्यूज रखना हमने शुरू किया, पहले रखा 4, दिस विल बिकम 96, इट इज डिवाइडेड, फिर ये 8 के मल्टीपल में चलते चले गए, 8 ऐड होता चला जाएगा डिफरेंस का, 8 के डिफरेंस पर ही चलते चले जाएंगे, हमने काउंट कर लिए, और यहाँ पर r बाय 6 था इसके भी काउंट कर लिए हमने, तो 0 6 12 6 का टेबल चल गया, कॉमन ढूंढ लिया 12 36 60 देन 24 ऐड करेंगे सीधा इसी के अंदर तो बन जाएगा। तो टोटल कितनी टर्म्स आने वाली है हमारे, यहाँ पर 4 टर्म आने वाली है, 1 2 3 4, 101 टोटल टर्म्स हैं, सो इरेशनल टर्म्स कितने आ जाएंगे अपने पास, इरेशनल टर्म्स टोटल टर्म्स हैं 101, उसमें से 4 टर्म्स हमने यहां से हटा ली, 97 ए ऑप्शन हम मार्क कर देंगे यहां पर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर, अब हम आते हैं मिडिल टर्म, मिडिल टर्म की हम ये बात करने वाले हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट में मिडिल टर्म की कहानी क्या है, मिडिल टर्म का मतलब जैसा है वैसा ही, जैसे शोले में होता है आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, जो बीच में रह जाता है वही मिडिल टर्म है, कोई नहीं बचेगा तो हो सकता है दो टर्म रह जाए, तो आइए सीखते हैं क्या होता है। हमारे पास टर्म्स हैं x प्लस वाई पावर n, करेक्ट। तो कहानी यह है कि टोटल टर्म्स कितनी बनती हैं एक्सपेंशन के बाद, बताओ मुझे, n प्लस 1 टर्म्स आएंगे। अब ये तो डिपेंड करता है कि n कैसा है, क्योंकि अगर सोचो 6 लोग हैं और आधे इधर जाएंगे तो बीच में कोई नहीं बचने वाला, अगर 7 लोग हैं आधे इधर हटाओगे तो चौथे नंबर वाला बचेगा, 7 लोग हैं तीन इधर फोर्थ नंबर रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इवन नंबर आया है 8 लोग हैं चार इधर तो मिडिल टर्म वैसे तो कोई बचता नहीं, तो फिर मिडिल टर्म लास्ट वाली दोनों टर्म्स को बोलेंगे जो फोर्थ और फिफ्थ होगा,
ठीक है, तो इसी लॉजिक से हम यहाँ बनाते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर है, सो लेट्स स्टार्ट, इफ एन इज ऑड, इसकी कहानी, और जब एन है इवन। कुछ याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सोच सोच के हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब सोचना, ऑड है, ठीक है, एन प्लस वन टोटल टर्म्स होती हैं, तो अगर ऑड में कोई भी एक ऑड नंबर सोच लो, ऑड नंबर्स वो होते हैं वो इंटीजर्स जिसको हम अगर टू से डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं होता, जैसे वन थ्री फाइव सेवन नाइन, ये सब टू से डिविजिबल नहीं है, लेकिन टोटल टर्म्स एन प्लस वन आती हैं, तो जो भी ऑड नंबर्स हैं अगर उसमें तुमने वन ऐड कर दिया तो वो बन जाएगा इवन। ये वन थ्री फाइव सेवन के वन ऐड करोगे तो बन जाएंगे टू फोर सिक्स एट बन जाएंगे, तो अगर सिक्स फोर एट बनेंगे, तो अगर सपोज के लिए मैं मान लेता हूँ कि पाँच टर्म है, ऑड नंबर ले लिया मैंने पाँच, तो पाँच है तो टोटल टर्म छः हो जाएंगी, तो तुम मुझे सोच के बताना कि टी वन है, टी टू है, टी थ्री है, टी फोर है, टी फाइव है, टी सिक्स है, फाइव लिया ना तो छः हो गई, तो मिडिल टर्म कौन सी है, ये रही थ्री और फोर, तो पाँच हमने लिया था, तो पाँच से थ्री कैसे आया होगा, फाइव प्लस वन बाय टू और फाइव प्लस थ्री बाय टू, तो टोटल मिडिल टर्म वाली जो डेटा बनेगा यहाँ पर, मिडिल टर्म बन जाएंगे अपने पास कौन कौन से, टी ऑफ एन प्लस वन बाय टू एंड टी ऑफ एन प्लस थ्री बाय टू, ठीक है, ये बन जाएंगे मिडिल टर्म्स। अगर इवन है तो चलो इवन वाला एग्जांपल ले लेते हैं, लेट द एन इज फोर, यहाँ हमने क्या पिट किया है, लेट द एन इज फाइव, फोर लेते हैं तो टर्म्स कितनी आएंगी, ज़्यादा आएंगी, पाँच आएंगी, टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव, अब बताइए मिडिल टर्म ये चला गया, ये चला गया, थ्री आया है, तो कुछ याद बात करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस चल रहा है, मिडिल टर्म वाले सारे क्वेश्चन आसान से होते हैं, ये है मिडिल टर्म अपना टी थ्री आ रहा है, टी थ्री के बारे में बात करें तो मिडिल टर्म अपनी बन जाएगी कितनी, कितनी बन जाएगी, देखिए थ्री कैसे आया होगा फोर से, फोर प्लस टू अपॉन टू किया होगा तब आ गया होगा, तो दिस विल बी टर्म नंबर एन प्लस टू डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, तो इस तरीके से मिडिल टर्म्स निकाल सकते हैं, ये है मिडिल टर्म्स, टर्म नंबर पता हो तो टर्म्स को निकालना तो बहुत आसान काम है, ये काम किया जा सकता है, ठीक है, तो अगर इवन है तो अगर हमें कॉन्सेप्ट मालूम है मेरे प्यारे बच्चों तो हम ज़रूर इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है, हम एन को पहचानते हैं कितने टर्म्स आएंगे वो एन प्लस वन हो जाएगा बस, उसके बाद तो टर्म एक्सपेंड हो गई है, तो फिर तो कहानी हमारे आगे की बन जाएगी, हम पहचान लेंगे कितने टर्म्स आने वाली हैं, और कहीं पे फंसो तो मान लो ना, सीधी सी बात है, याद कहाँ तक कितनी बातें याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तीन सब्जेक्ट ने तीन घंटे में तीस तीस चैप्टर हर सब्जेक्ट के हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो फिर थोड़ा सोच के कर लेंगे कहाँ तक जाता है, मैथ्स में तो हमेशा हम वी कैन डिफाइन सम रूल सम लॉजिक, ठीक है, सम डेफिनेशन जिससे हमारे बात बन जाए, ऑड है ऑड ले लिया तो छः टर्म थी, पाँच से छः हो गए, बीच वाले तीन और चार कैसे आए होंगे, तो फाइव प्लस वन बाय टू दिस विल बिकम थ्री, तो टर्म नंबर थर्ड, और फाइव प्लस थ्री बाय टू एट बाय टू फोर, ठीक है, ये दोनों मिडिल टर्म इवन होगा तो टी एन प्लस टू बाय टू, मिडिल टर्म का हमने एक मीनिंग तो ये निकाला है कि ये वो टर्म है जो बीच में आता है जब एक्सपेंशन होगा तब के बाद की बात हम कर रहे हैं, और हम इसका क्या मीनिंग निकाल सकते हैं चलिए वो देख लेते हैं, इसका एक और मीनिंग होता है कैसे, देखो अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो पहले वाले टर्म आती है एन सी जीरो, सेकेंड वाले टर्म आती है एन सी वन, थर्ड वाले टर्म आती है एन सी टू, और जब मैं अगर इधर जाता हूं तो ये बनेगा एन सी एन माइनस एन, एन सी एन माइनस वन, ऐसे करते करते बीच में मिडिल टर्म आएगी, देखो एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है और इसकी वैल्यू भी वन होती है, आगे चलते हैं एन सी वन की वैल्यू इसकी वैल्यू एन आती है, एन सी एन माइनस वन की भी एन आती है, तो होता यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, गेस इंक्रीज्ड, तो सबसे ज्यादा वैल्यू बाइनोमियल कोफिशिएंट की कहाँ आएगी बेटा, मिडिल टर्म की आएगी, तो मिडिल टर्म इज द टर्म हु हैज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो ये लर्निंग हमें पता होनी चाहिए, अगर उसने ये पूछा है कि वो टर्म निकालिए जिसका बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम होता है, तो ये इनडायरेक्ट पूछने का तरीका हो गया है, ठीक है, सो मिडिल टर्म इज द टर्म, मिडिल टर्म को दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे कि मिडिल टर्म होता है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट,
ये कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे, क्योंकि शुरू से और आखिरी से इक्वल डिस्टेंस वाली टर्म्स की वैल्यू तो सेम आती है। क्यों सेम आती है? क्योंकि एनसीआर की वैल्यू एनसीएन माइनस आर के बराबर आती है। तो जो कॉन्सेप्ट बना है वो ये है कि मिडिल टर्म वो टर्म है जिसका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशियंट होता है। ये कॉन्सेप्ट हम याद कर लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे। जैसे जैसे आगे जाते जाओगे बीच वाली वैल्यू बढ़ती चली जाती है। चेक करना इस बात को, कभी ऑब्जर्व करना। जैसे तुम वन प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखते हो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो बीच में टू आता है कोफिशियंट, इधर वन वन होता है। अगर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिखते हो तो क्या लिखते हो, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो इधर वन वन, बीच में तीन तीन, देखो बीच में बढ़ गया। पावर फोर करोगे तो और डेटा बन जाता है। ठीक है, चलिए बीच वाले का बाइनोमियल कोफिशियंट ज्यादा बड़ा आता है। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या पूछा जा रहा है। इफ द कोफिशियंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस आर सेम, फाइंड अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोच के इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहां पर। तो रीड करते हैं कैसे, पावर फोर, पावर चार है एक्सपेंड करेंगे पांच आएंगी, छह है एक्सपेंड करेंगे सात आएंगे, तो मिडिल टर्म निकालना आसान हो गया है दोनों केसेस में। और ये बोला है कि दोनों बराबर हैं तो निकाल लेते हैं, आसान सी कहानी है। और मेरे हिसाब से तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करें तो बहुत ही बेटर है। ये हो गया है फोर, मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ, तो घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं इसके ऊपर। दिस इज सिक्स, देखो चार है तो पावर, ये फॉर्मूले जो एन वाले हमने लिखे हैं कोई ज़रूरत नहीं है यादवाद करने की, पर ये बुक्स में लिखे रहते हैं इसलिए मैंने लिख दिया है। वरना बोलो सर हमें थोड़ा कम पढ़ाया जा रहा, बिल्कुल कम नहीं पढ़ाया जा रहा, पूरा पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो लर्निंग डाउट्स और टेस्ट वाला पैटर्न चाहिए तो आप प्लस पर आइए, सब्सक्राइब करिए, प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको इंस्टेंटली 10% जो बात मैंने बताई थी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, आप कोड यूज़ में लीजिए ओम सर, ठीक है, ओ एम एस आई आर, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे बेटा, एक ही सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। देखो पावर चार है तो एक्सपेंश करने पर पाँच टर्म्स कितनी आएंगी, पाँच आएंगी। पाँच अगर आती है तो हमारी मिडिल टर्म कौन सी होगी, पाँच टर्म है बताओ, तो दो इधर से हटा दी, दो इधर से हटा दी, बीच वाली टर्म बनेगी टर्म नंबर थर्ड, तो इसका होगा टर्म नंबर थर्ड। इसमें छः है पावर, एक्सपेंशन के बाद टर्म्स बनेंगी सात, सात होंगी तो अब बताइए मिडिल टर्म कौन सी होंगी, चार तीन इधर चौथा वाला जो टर्म होगा वो बनेगा, तो इसका टर्म टी डैश टर्म नंबर फोर। दोनों को करिए इक्वेट, आपको वैल्यू मिल जाएगी अल्फा की, बनाइए, बना के देखिए क्या आता है। टर्म इक्वेट करना है या कोफिशियंट बोला है, ध्यान रखो इन्होंने टर्म के लिए नहीं बोला है भैया, कोफिशियंट बोला है। तो कोफिशियंट ऑफ टी थ्री एंड कोफिशियंट ऑफ टी डैश फोर, ठीक है, तो कॉफिशियंट बोला है, टर्म नहीं बोला, तो कॉफिशियंट होगा तो क्या होगा, एक्स से जो मल्टीप्लाई होगा वो लिखेंगे, ठीक है, कॉफिशियंट एक्स में यहाँ पर टर्म, तो एक्स के कॉफिशियंट को लिख देंगे, तो बना के देखो जरूर आंसर आएगा। आई होप इतना तो आप कर ही लोगे, इतना दिनों से बाइनोमियल थ्योरम चल रहा है, चलो पाँचवा लेक्चर है आज, चलो बनाइए, टाइम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, करके दिखाइए क्या आता है आंसर अल्फा की वैल्यूज को। बनी बात, बनाया इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से आंसर आ जाएगा। टर्म नंबर थर्ड है यानी आर की वैल्यू कितनी हो गई, टू हो गई है, तो क्या लिखेंगे, फोर सी टू अल्फा की पावर टू, एक्स तो हटा ही देंगे क्योंकि कोफिशियंट लिखना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, टर्म नंबर फोर है तो आर की वैल्यू होगी थ्री, तो थ्री होगी तो क्या लिखा जाएगा, सिक्स सी थ्री अल्फा और एक्स की पावर थ्री, दिस विल बिकम अल्फा क्यूब, एक्स क्यूब तो हट ही जाएगा, कोफिशियंट लिखना है हमें, 4c2, 4 into 3 by 2, this will become 6, alpha square,
यहाँ से आएगा अपने पास 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल सब कैंसिल, हटा दो इन सबको, अल्फा का क्यूब आएगा यहाँ से, 6 α² विल बी इक्वल टू 20 α³। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6/20, 3/10, 3/10 इज द आंसर। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही, 3/10। चेक करो तुम्हारा क्या आंसर आया था, इफ यू गॉट द सेम देन यू गॉट द कॉन्सेप्ट, गॉट इट गाइस। अगर वो मिडिल टर्म का कॉफिशियंट नहीं बोल के अगर वो ये बोलता कि भाई इसका एक्सपेंशन हुआ है, वो वाली टर्म निकालो जिसका बाइनोमियल कॉफिशियंट सबसे बड़ा आएगा, तो इधर दोनों जगह वन होता है, फिर धीरे धीरे करके बाइनोमियल कॉफिशियंट की वैल्यू बढ़ने लगती है, और मिडिल टर्म पे जैसे ही पहुंचते हैं बाइनोमियल कॉफिशियंट बढ़ जाता है, सबसे ज़्यादा आता है। देखिए यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो पूरी टर्म में अगर हम जनरल टर्म लिखें तो तुम्हें बात समझाता हूँ, किसी भी टर्म को अगर मैं लिखूँ एक्सपेंशन की, एक जनरल बात और तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। कॉफिशियंट में रोल इसका भी होता है, कैपिटल एक्स का भी, कैपिटल वाई का भी। अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं 2x - 4y, ठीक है, अगर मैं इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा NCR 3x⁻ n - r 4y⁻ r। अगर मैं इसका कॉफिशियंट की बात करता हूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं तुम्हें, तो यहां पर, तो यहां बन जाएगा ये NCR 3⁻ n - r, ये है -4⁴ r x⁻ n - r y⁻ r, करेक्ट। अब देखिए कैसे, ये है पूरा कॉफिशियंट, इसका कॉफिशियंट तो पूरा ये बनेगा, लेकिन बाइनोमियल कोफिशियंट अगर वो बोलेंगे तो, अगर ये बोला जाता है कि भाई कोफिशियंट सबसे बड़ा है तो उस पर तो 3 कितनी पावर आ रही है, -4 कितनी पावर आ रही है, इसका भी रोल होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ ये पूछते हैं कि नहीं नहीं बाइनोमियल कोफिशियंट सबसे बड़ा है, तो बाइनोमियल कोफिशियंट ये है NCR होता है, ये तो है कोफिशियंट, पूरा कोफिशियंट। अगर वो पूछते हैं कि बाइनोमियल कोफिशियंट, ये है बाइनोमियल कोफिशियंट। सो बाइनोमियल कॉफिशियंट में एक्स और वाई की क्या टर्म्स के साथ कितने कॉफिशियंट चिपका रखे हैं, जैसे यहाँ मैंने 3 और 4 लगा दिया और 10 और 15 लिख देंगे, कुछ भी लिख दें यहाँ पर, तो उनका रोल बाइनोमियल कॉफिशियंट में नहीं आएगा, लेकिन जब पूरी टर्म बनेगी तो उसमें तो आएगा। देखो यहाँ आ भी रहा था, अल्फा था तो अल्फा की पावर्स ने रोल डिसाइड कर रखा था, ठीक है। तो थोड़ा सा मीनिंग को समझें, मैंने ये बोला है कि मिडिल टर्म वो टर्म है जिसका बाइनोमियल कॉफिशियंट सबसे बड़ा आता है, कॉफिशियंट सबसे बड़ा नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूँ कि उसका बाइनोमियल कॉफिशियंट सबसे बड़ा आता है। इस बात को हमें देखना है कि मिडिल टर्म वो टर्म है जिसका बाइनोमियल कॉफिशियंट सबसे बड़ा आएगा, ठीक है। कॉफिशियंट किसका बड़ा आएगा वो एक अलग टॉपिक है जिसकी मैं बात करूंगा आपसे आगे जाके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक टर्म लिखी हुई है कि इफ द मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन इज, ठीक है, इस एक्सपेंशन थोड़ा सा ट्रिकी को देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, बनाने की कोशिश करेंगे हम सभी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। बताइए, द मिडिल टर्म इज एक्सपेंशन ऑफ 1 - 3x + 4x³ - x³⁶। इसका मिडिल टर्म निकालना है इस एक्सपेंशन का। सर हम तो बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं, यानी बीच में टर्म कितनी आनी चाहिए, 2। यहाँ कितने टर्म लिखी हुई है, 1, 2, 3, 4। तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, आई थिंक समझ गए होंगे क्या लिखा हुआ है, कोशिश करिए बनाने की, जरूर कोशिश करिए, आ जाएगा आपको, जरूर आएगा। और मैंने अक्सर कमेंट में देखा है कि स्टूडेंट क्वेश्चन की बात थोड़ी कम करते हैं, क्वेश्चन की बात ज्यादा क्या करो बेटा, सिखा रहे हैं सीखो, हम तो इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग आगे से आगे सीख जाएं, इसीलिए क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं आपके फ़ायदे के लिए, फिर फ्री में अपलोड भी कर। ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन के तुम वीडियोस ज़्यादा देखते हो, लेकिन पढ़ने की जब बारी आती है तो थोड़ा सा पीछे खिसक जाते हो, या फिर खुद को समझाने के लिए हाँ अभी देख रहा हूँ, दूसरा वीडियो देख लेता हूँ, वाला देख लेता हूँ, बस वीडियो ही देखते रहते हो। लेकिन मैंने समझाया तुम्हें, IIT जाने के लिए 3 सिखाई हैं, सबसे पहले लर्निंग है, लेसन्स हैं, फिर है डाउट सेशंस, फिर उसके बाद टेस्ट है। सेकंड और थर्ड वाले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनके बिना नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ
सर ही सर पढ़ाते रहेंगे तो इससे तो यही पता चलेगा, हाँ भाई सर को तो आता है। अरे नहीं बेटा, अब तुम्हें आना चाहिए ना। तुम्हें कब आएगा? जब तुम क्वेश्चंस करोगे। कोई से भी बुक उठा लो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। पुराने किसी सीनियर के पास जाकर दे दो, भैया आपने तैयारी की थी, कोई मटेरियल दे दो, वो भी नहीं है तो उसको पढ़ो, कोशिश करो सीखने की, ठीक है। या सेकेंड हैंड कोई बुक उठा लो, ठीक है। वो करने के बाद करोगे तो फिर तुम सीखोगे कि क्वेश्चंस है ना, अगर तुम अनअकैडमी के ऐप पर भी जाते हो तो वहाँ पर मैंने लास्ट 42 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। किसके? कॉम्प्लेक्स नंबर के किए हुए हैं। लास्ट 18 सालों के जेई मेन के क्वेश्चन मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के किए हुए हैं। तो 42 और 18 ईयर्स, कितने ईयर्स के पेपर हो गए तुम्हारे? 60 ईयर्स के पेपर्स, बताओ। तो 60 से 40, 42, 50, 60 साल पहले भी एग्ज़ाम थे, समझ रहे हो? 56, 57 से चला आ रहा है एग्ज़ाम। तब फर्स्ट IIT खड़गपुर बना था, आई गेस फर्स्ट IIT खड़गपुर था। लास्ट 42 ईयर्स के पेपर तो आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो क्या सिखा रहे हैं बेटा ये जो चीज़ें हैं? ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम तुम ही पढ़ रहे हो। जब हम स्टूडेंट थे हमने भी पढ़ी थी, और आपको भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। और पहुँच जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आइए बनाइए। मिडिल टर्म पूछा था मैंने, ये बोला था। इस टर्म को पहचान लिया किसी ने? पहचान लिया तो बहुत ही अच्छा है। आप लोग अगर इसको पहचान चुके हैं तो देखिए, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये है 1 - 3x + 3x² - x³। ये तो 1 - x³³ लिखा हुआ है, 1 - x³ पावर है 6। किसी ने अगर ये सोचा हो कि सर 6 लिखा हुआ है एक्सपेंशन में 60 टर्म आएंगी, बेटा वो बाइनोमियल के लिए सिखाया है। बाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, क्वार्टर मतलब 4 होता है, पैंटा मतलब 5 होता है। लेकिन यहाँ तो टर्म ही चाह रहे, तो यहाँ 7 टर्म्स नहीं आएंगी। ये बात पहले समझा दें, ज़्यादा मत सीख जाना कब कहाँ रुकना है, ये ज़रूरी होता है। सिर्फ ये देख लेने से कि घोड़ा कहाँ से दबेगा, बटन कहाँ से रिवॉल्वर का, ये सीख लिया, और ये नहीं सीखे कि गन की ओरिएंटेशन कहाँ होती है, तो तुम यूं करके बोलोगे एंड सब, ठीक है। हाफ नॉलेज मोर डेंजरस। 6 लिखा हुआ है तो यहां से बाइनोमियल थ्योरम बना, तो ये बना है 1 - x² - 18। पावर है 18, टर्म आएंगी 19। अब बताओ 19 में अगर हम बोले आधे इधर ले जाने हैं आधे उधर ले जाने हैं, 19 टर्म्स हैं। 19 टर्म्स में अगर 19 टर्म्स में अगर हम बात करें, एक बात सोचना, अगर 20 टर्म हो जाती तो 10 10 हो जाते। अभी कितने हैं? 19 है, तो नो नो टर्म हो जाएंगे 18, बीच वाला बचेगा, बीच वाला बचेगा। तो बीच वाला कौन सा होगा? नो इधर से हटाए, नो इधर से हटाए, टर्म नंबर 10। टर्म नंबर 10 है हमारा इसका मिडिल टर्म। तो पहले नो हटा देंगे, पीछे वाले नो हटा देंगे, 18 चले गए, बीच वाला बचा, तो नो के अगला टर्म कौन सा है? 10 नंबर है। तो T10 हमें इसको निकालने को पूछा गया है। अब आई होप T10 आप निकाल चुके होंगे। T10 इसके एक्सपेंशन में लिखेंगे तो कितना आएगा देखना, 18C। अब यहाँ भी खेल होता है, ये R+1 होता है, R+1 की वैल्यू 10 आती है, R की वैल्यू तो 9 आएगी। तो 18C9, 1 पावर 9 -x⁻¹। ये वाला डेटा यहाँ आ जाएगा, माइनस बचेगा, -18C9 x⁻¹। ढूंढ लीजिए कहाँ है, ये रहा बी। बी इज द आंसर। कौन सा डेटा बन जाएगा हमारा? बी इसका आंसर हम बना देंगे, ठीक है। कौन सा डेटा बना देंगे इसका? बी हम इसका आंसर बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। आगे अगर हम चलें तो इसी डेटा को आगे बढ़ा के अटैच किया जाता है, ये जो नंबर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके साथ भी हम अच्छे खासे क्वेश्चंस बाइनोमियल थ्योरम के बना सकते हैं। जैसे तुम अगर इस क्वेश्चन को पढ़ो तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्या लिखा है पढ़ो। प्रूव दैट 9 पावर n + 7 इज डिविजिबल बाय 8। ये उल्टा ए जानते हो सबके सब? व्हाट इज दिस स्टैंड फॉर? दिस इज ऑल। ऑल को मैथमेटिक्स में ये लिख देते हैं, या एवरी, ठीक है। तो ऑल अगर मैथ्स में हम बोलते हैं, या एवरी हम मैथ्स में बोल एवरी हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो मैथ्स में कैसे लिखते हैं? जो ए होता है उसको इन्वर्टेड करके ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। एक डेटा तो ये हम कर लेते हैं कि सर रख रख के चेक कर लेते हैं, किसी के दिमाग में ख्याल आ रहा हो जैसे रख रख के देख लेते हैं। आपने बोला है कि हर एन के हर वैल्यू के लिए होगा, तो चलिए पहले एक रख लेते हैं। सर -1 क्यों नहीं रख सकते? ध्यान से देखो, एन है कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है? कुछ नोटेशन फिक्स होते हैं इनके बारे में, जब समझाएंगे नहीं वो। कैपिटल एन अंडरस्टूड है कि क्या बोला गया है? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स काउंटिंग वाले नंबर्स। W होता है होल नंबर, 0, 1, 2, 3 सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, 0 इंक्लूड कर दो।
जेड या आई लिखा रहता तो वो होता है हमारा इंटीजर्स, क्यू लिखा रहता है रैशनल नंबर्स के लिए, कैपिटल आर लिखा रहता है रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, बेसिक नोटेशन ध्यान रखो। तो सर वन रख लेते हैं, वन से स्टार्टिंग शुरू होगी। वन रखते हैं तो नाइन प्लस सेवन कितना होता है, नाइन प्लस सेवन से सिक्सटीन आ रहा है क्या? सिक्सटीन आठ से डिविजिबल है। हाँ सर बात तो सही लग रही है, लेकिन एक से मतलब नहीं है, इसने लिखा है ऑल। तो फिर वन के बाद टू रख लेते हैं, टू रख के देखेंगे तो कितना आएगा, नाइन का स्क्वायर, नाइन का स्क्वायर होता है एटी वन, एटी वन प्लस सेवन एटी एट, एटी एट आठ से डिविजिबल से, दूसरा भी सही लग रहा है, दूसरा भी सही आ रहा है। तो बात यह है कहाँ तक रखेंगे, कब तक रखेंगे। अगर मैंने वन रखा है तो वन के लिए प्रूव हुआ है, टू रखा तो टू के लिए प्रूव हुआ है, चार रखूंगा तो चार के लिए प्रूव होगा। तो इसको सॉल्व करने के बनते हैं दो तरीके। पहला तरीका तो यह है कि हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करें, जो भी एक चैप्टर है मैथ्स का, जे एडवांस में पूछते नहीं है उसको, तो हम उसकी बात करते नहीं है। दूसरा टॉपिक है इसको करने का, बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन तो जे एडवांस वाला पूछते नहीं, तो उसको हटा दिया हमने, तो दूसरे वाले मेथड से सीखते हैं जो है बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है, आठ से डिविजिबिलिटी पूछी जा रही है, यहाँ नौ लिखा हुआ है। ठीक है, तो नाइन को हम करते हैं ब्रेक, दूसरा हम इसको लिख सकते हैं सिक्सटीन माइनस सेवन, लिख सकते हैं ना, सिक्सटीन में से सेवन जाएगा तो भी नाइन बचेगा, एट पे वन ऐड करेंगे तो भी। मतलब तो कौन सा वाला बाइनोमियल बनाने की कोशिश करें, डाउट पहला डाउट ये आता है कि सर इसी को मैं कौन सा लिखूं, एट प्लस वन पावर एन करता हूं या वन प्लस एट लिखूं, अपने ऊपर है कि हम क्या लिखते हैं इसको। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं सिक्सटीन माइनस सेवन, क्योंकि सॉल्व हमें करना है तो हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे लिखा जाए। नाइन तो कई तरीके, और भी बहुत सारे तरीके, हंड्रेड माइनस नाइनटी वन लिख दें वो भी नाइन आता है, थ्री का स्क्वायर लिख दें वो भी नाइन आता है। अब हमें डिसाइड करना कैसे लिखा जाए, तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि बाइनोमियल से एक्सपेंशन जब हम करने जाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से टर्म्स का पैटर्न होता है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो टर्म्स का अगर हम पैटर्न की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम ये डिकोड कर सकते हैं कि जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वन को हैंडल करना आसान है या माइनस सेवन को हैंडल करना आसान है, ये मैं तुमसे पूछता हूं। बताओ, वन को अगर हैंडल करना बहुत इजी है, सेवन को हैंडल करना फिर प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वन की तो कितनी भी पावर कर दो वन ही रहता है, लेकिन सेवन तो फिर से क्वेश्चन बन जाएगा। अभी नाइन वाला सॉल्व कर रहे थे, फिर से सेवन वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर हम ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं से अगर हमारे पास वन आ जाए या माइनस वन आ जाए तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वन को हैंडल करना ये सही बात है, गलत नहीं है, बट वी विल नॉट यूज इट, डोंट यूज इट, ओके, या किसी और एक्सपेंशन को यूज में मत लीजिए। क्यों? क्योंकि सेवन की फिर पावर करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि सिक्सटीन से तो दिक्कत नहीं है, सिक्सटीन से एट से डिविजिबल हो जाएगा जब भी एक्सपेंशन आएगा, लेकिन फिर सेवन दिक्कत करेगा, सेवन नॉट ईजी टू हैंडल है। वन लिखेंगे तो बात बन जाएगी, वन लिखेंगे तो क्या होगा, वन की पावर कितनी भी करो वन ही आता है। तो एक बार इसका एक्सपेंशन लिख के देखो क्या आता है, तुम अपने आप सीख जाओगे क्या पूछा जा रहा है, क्या हो रहा है। बनाइए, बना के देखिए क्या बन रही है बात, बना ले। आइए, तो क्या बनेगा यहां से, एट सी जीरो एट पावर एन, 8c1, 8 पावर n माइनस वन, वन की पावर कितनी भी करो डजेंट मैटर, 8c2, 8 पावर n माइनस टू, ये चलती जाएगी कहानी, 8c7, 8 बचेगा, n तो अपने पास मालूम है ना, हाँ, और यहाँ nc, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, बिल्कुल गड़बड़ कर रहे हैं, पावर तो n है। आइए बना लेते हैं, पावर n है, हमने ऊपर 8 लिख दिया, कोई बात नहीं, तो बात पता चल जाता है क्या गड़बड़ हुआ है। यहां n है तो दिस विल बिकम a, फिर से 8 आ रहा है, nc0 8 पावर n, nc1 8 पावर n माइनस 1, nc2 8 पावर n माइनस 2। सर दूसरे की पावर क्यों नहीं लिख रहे, अरे वो तो 1 है, 1 को कितनी भी पावर कर लो 1 ही रहने वाला है। जब ये पिक्चर आगे बढ़ेगी तो यहां पहुंचेगा ncn माइनस 1 और हम पहुंच जाएंगे यहां से 8 की पावर 1 पर, और लास्ट वाली टर्म आएगी एन सी एन जिसमें सारी पावर 1 को मिल जाएगा,
सारी पावर वन को मिल जाएगा, तो बात खत्म हो गई। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सब जगह हमें एट नज़र आ रहा है, यहाँ एट है, यहाँ पावर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ सब जगह से एट कॉमन आता है, बचा हुआ मान लिया कोई इंटीजर, इंटीजर ही बचेगा। लास्ट वाली दो टर्म बचती हैं, एन सी एन की वैल्यू होती है वन और ये है सेवन, तो लास्ट में भी दोनों जगह एट बन चुका है, एट आ गया अपना कॉमन, एट प्लस वन, एट टाइम्स के प्लस वन, ये पूरा बन चुका है एट का इंटीजर। ठीक है, तो हमने एक्सपेंड किया, टर्म्स को लिखा, कॉमन निकाला, बना दी बात। तो इसमें यूज क्या है कि किसको लिखना है किसको नहीं लिखना है, वन आ जाए तो बहुत खास बात है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, आगे से आगे बढ़िए। एक होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को, उस होमवर्क को आप कर लेना, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लें, इस वाले को करके देखें कि इसको हम कैसे करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे से आगे तक पहुँचाइए, टेलीग्राम वाली ऐप इंस्टॉल करिए, जो लिंक दिया हुआ है उससे आगे बढ़िए उसी के अंदर। ठीक है, मैं ओम शर्मा आपका मैथमेटिक्स का मेंटर, आपसे ये बोलूँगा कि आप प्लस वाले प्लेटफॉर्म पर जल्दी से जल्दी आइए, आपका फाइनेंशियल जो बेनिफिट वाला कोड है उसका ध्यान रखें, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। यूज़ माई नेम ओम सर, यू विल डेफिनेटली गेट 10% ऑफ। तो जो ये पैसा बचे इससे आप बुक्स खरीदिए, स्टेशनरी खरीदिए, जो आपको सही लगे वो आप करिए। ठीक है, चार्जेस बहुत ही नॉमिनल से हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच। ये वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, होमवर्क है। थैंक यू सो मच।